फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको किचन के लिए एक डेकोर पीस बनाना बताऊंगी। ये एक तरह का वॉल हैंगिंग है जो कि किचन में लगाने से बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या लगता है हम देखते हैं। टॉयस के किचन सेट जो प्लास्टिक के होते हैं और बीड्स से ही, कुछ ब्राइट बीड्स होने से काफ़ी अच्छा है। और ट्वाइन चाहिए जिससे हम सारे बर्तनों को बांधेंगे, और सीज़र और निडल एंड थ्रेड चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कॉर्ड है यानी कि जो ट्वाइन है उसको हम डबल कर लेंगे, और जिस लेंथ में हमको रखना है उस लेंथ में। इसके बाद उसके बीच में बीचों दो जो छोर हैं, एंड है, उसको लेकर के हम एक एक करके टॉयस को इंसर्ट करते जाएंगे, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। इंसर्ट करने के बाद टाइट एक गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद जो गांठ बांधे हैं उसके ऊपर स्टिच करेंगे एक बीट। अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद हम दूसरी गांठ बांधेंगे। इसके बाद सेकंड बीट को स्टिच करेंगे। इस तरह से हम एक टॉय को कॉर्ड में पिरोने के बाद हम दो बीट्स लगाएंगे और फिर एक फाइनल नॉट लगाएंगे। इसी तरह से हमें एक के बाद एक, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें करना है। यहाँ मैं दो टॉय ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। अब ये जो कप है इसको मैं दो कॉर्ड के बीच में रखकर अच्छे से टाइट करके बांध दूँगी ताकि ये अपनी जगह में सेट हो जाए। देखिए, इस तरह से बीचों बीच रखकर गांठ लगाना है, बहुत टाइट गांठ लगाना है ताकि वो एकदम फिक्स हो जाए। इसके बाद नॉट लगाने के बाद बीट अटैच करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था। इसके बाद दूसरे बीट को भी स्टिच कर देंगे। इस तरह हमें एक के बाद एक टॉय लगाकर बीट्स स्टिच करने हैं। एक नॉट लगाएंगे, इसके बाद दूसरे बीट को स्टिच करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो किचन सेट का कोई टॉय है वो हम इस कॉर्ड के बीच में फिक्स करेंगे अच्छे से टाइटली बांधते हुए। और किसी टॉयज में अगर होल है यानी कि जहाँ से कॉर्ड पास कर सकता है, तो आप उन होल्स के बीच से ये दो कॉर्ड ले जाइए। जैसे कि ये टिफ़िन बॉक्स है, आप देख सकते हैं, तो इसमें होल था तो मैं दोनों कॉर्ड जो है यानी स्ट्रिंग जो है दो तरफ से इंसर्ट कर रही हूँ ताकि ये कॉर्ड के बीचों बीच बिल्कुल सेट रहे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे फिर हम मैं टाइट नॉट बना दूँगी ताकि ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहे, हिले डुले ना। और फिर उसी तरह से नॉट बनाने के बाद एक बीड अटैच करूँगी, बीड को स्टिच कर लूँगी, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बाद दो बीड्स हैं उनके बीच में जो नॉट है उस नॉट के दोनों तरफ दो दो बीड्स मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। और सामने की ओर एक मैंने वाइट बीड है वो अटैच किया है। तो कुल मिलाकर इच नॉट के लिए हमने सेवन बीट्स है उसको यूज़ किया है। तो इस तरह से हम एक के बाद एक सारे खिलौनों को लगाते जाएंगे, और जिस लंबाई तक आपको रखना है आप उसी लंबाई के अनुसार ये टॉयस को आप फिक्स करें।
जिस लंबाई, ये एक वॉल हैंगिंग की तरह होगा जो आप किचन के किसी भी कॉर्नर में टांग सकती हैं या इंट्रेंस के पास टांग सकती हैं, जो देखने में बहुत ही कलरफुल और सुंदर लगता है। एज़ बिकॉज़ ये टॉयज़ किचन से रिलेटेड हैं तो किचन यूटेंसिल्स हैं ये सारे प्लास्टिक के, तो ये किचन को ही सिंबलाइज करते हैं। तो ये देखिए, मुझे और लंबा नहीं करना है, बस इतना ही लंबा करना है। तो ये मैं फाइनल जो है ये टॉय को अटैच कर रही हूँ। इसके बाद जो टिफ़िन बॉक्स का टॉयज़ के टिफ़िन बॉक्स में ये जो हैंडल था टॉयज़ वाले का, टॉयज़ वाले टिफ़िन बॉक्स का, उसके हैंडल को लेकर मैं दोनों कॉर्ड हैंडल के दो तरफ अच्छे से नॉट लगा कर फिक्स कर दे रही हूँ, जिससे हमें एक हैंगिंग के लिए हैंड सपोर्ट मिल जाए। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। और एस बिकॉज यहाँ पर जितने भी टॉयज हमने लिए हैं बहुत ही कलरफुल हैं, और जो मैंने एंड है, नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर मैं पॉम पॉम्स लगा रही हूँ, 4-5 पॉम पॉम्स लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा और कलरफुल लगे दिखने में और अच्छा भी लगे। तो ये मैंने पॉम पॉम लगा लिया है। अब ये मेरा वॉल हैंगिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से देखिए, नीचे वाले जो हिस्से हैं, और इस ये मैंने अपनी किचन में टांगा है। तो ये देखिए, ये दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो इसको धो भी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना कम लगा है हमें इसे बनाने में। सिर्फ 30 या 40 रुपए में जो प्लास्टिक के टॉयज आती हैं वो ख़रीदना है, और घर में पड़े बीड्स और पॉम पॉम से हम ये बना सकते हैं। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। आज बस यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।